नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग अभी तक वाई फेस नहीं हुए और पहली बार मैं आप सब लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। और हम लोग अब लाइव होकर क्लास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छे टॉपिक और जो जूनियर एडेड हाई स्कूल की वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा जो चैनल है एक ऐसा कंटेंट देगा कि जो आपकी सफलता में चार चांद लगा देगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा सौरमंडल का। सौरमंडल में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम लोग जो भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल में हम लोगों ने अभी तक देखा कि देशांतर और अक्षांश जो रेखाएं हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सौरमंडल क्या है। जो सौर मंडल है, जिस मंडल में जहां से हम सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं, और वो हमारा मंडल सौर मंडल है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सौर मंडल से। और जैसा कि हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में चर्चा की है अक्षांश देशांतर के बारे में, और उसके बाद हम लोग अब देखेंगे भूगोल के दूसरे टॉपिक पर, सौर मंडल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सौर मंडल भूगोल का एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से सौरमंडल से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आते रहे हैं। और एक चीज और है इसमें कि यदि आप सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं, तो आप लोग अपने दैनिक जीवन के, अपने जो परिवेश है हमारा, जो टेट सीटेट में भी आता है एग्जाम, उसको जानने में थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ आप लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उस सभी के सभी जितने भी एग्जाम में आएंगे, वो सब आप हल कर पाएंगे। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम सौरमंडल में देखेंगे सौरमंडल क्या है। सौरमंडल ऐसा एक निकाय है, जैसे कहें कि जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर, जैसे एक सूर्य है, सूर्य जो रोशनी देता है, हम उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड इत्यादि का एक जो एक संगठित रूप है, उसको सौरमंडल कहते हैं, और ये सभी उसका चक्कर लगाते हैं। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य एवं उसके ग्रह उपग्रह धूमकेतु पुच्छम तारे इत्यादि उसका चक्कर लगाते हैं। सूर्य एवं उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या है? सूर्य है सौरमंडल में, तो सूर्य तो सबसे प्रमुख है। सूर्य और उसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले हैं, ग्रह उपग्रह तारे नहीं सॉरी, उसमें धूमकेतु क्षुद्र ग्रह इत्यादि आएंगे। तो हम लोग सौरमंडल में सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य और सूर्य से संबंधित सभी पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अभी हमने देखी सौरमंडल की परिभाषा, सौरमंडल के बारे में प्रारंभिक परिचय, कि सौरमंडल सूर्य एवं उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह तारे सॉरी उपग्रह धूमकेतु पुच्छल तारे इत्यादि का संग्रहित रूप है। अब हम सबसे पहले देखेंगे सौरमंडल में, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य जिसको अंग्रेजी में हम लोग सन बोलते हैं, सूर्य जैसा कि जानते हैं कि वो ऊर्जा का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो सूर्य क्या है? ऊर्जा का मुख्य केंद्र बिंदु। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, ऊर्जा का मुख्य केंद्र बिंदु है, और कैसे? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य केंद्र बिंदु है। दूसरा, सूर्य एक तारा है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा, सूर्य एक तारा है। तीसरा पॉइंट रहेगा, सूर्य में जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा बनती है, वो नाभिक संलयन के द्वारा बनती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, सूर्य में ऊर्जा नाभिक संलयन के द्वारा बनती है, नाभिक संलयन।
अभी संलयन क्या है तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या है, क्योंकि जो सूर्य में ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा बनती है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती कैसे है तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हाइड्रोजन जब क्रिया करता है, जब हाइड्रोजन क्रिया करता है तो हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर के हीलियम और ऊर्जा मुक्त करते हैं, क्योंकि जो सूर्य का जो सौरमंडल है, सूर्य है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है, वो 71% है, 71% हाइड्रोजन पाई जाती है, और यही हाइड्रोजन के अणु मिलकर के विखंडित होते हैं और हीलियम में जुड़ते हैं, इसके साथ ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर के क्रिया करते हैं और क्रिया के बाद हीलियम के साथ साथ ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो ऊर्जा हाइड्रोजन के अणुओं के मिलकर टूटने से बनती है। तो जो नाभिकीय संलयन की क्रिया थी हमने देखा, अब आगे थोड़ा और पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो सूर्य की अनुमानित आयु है, लगभग सूर्य की पॉइंट आता रहा, सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 5 अरब वर्ष, जो सूर्य की अनुमानित आयु है वो 5 अरब वर्ष है। अब सूर्य है, सूर्य के साथ साथ हम लोग सूर्य से जो रोशनी प्राप्त होती है उसमें हम लोग देखेंगे, जो सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है वो विकिरण के माध्यम से प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त रोशनी या प्रकाश कहें विकिरण के माध्यम से मिलता है। इतना हम लोगों ने पॉइंट देखा। पहला जो हमारा मेन पॉइंट है, ऊर्जा का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हमारा क्या है, सूर्य है, और दूसरा हमारा जो केंद्र बिंदु है उसका जो तारा होने के कारण, क्योंकि तारा जो होते हैं उनकी अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य चमकता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य एक ऑप्शन में डॉट डॉट कर दिया, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, या इनमें से कोई नहीं, तो सूर्य एक तारा है। तारा होने के पीछे कंडीशन क्या है, जो तारे होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है, तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश है। और इसमें एक अगला पॉइंट है, जो सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, सूर्य की जो अनुमानित आयु है 5 अरब वर्ष है। हमारा अंतिम पॉइंट है, इसमें सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा होती है या ऊर्जा मिलती है ऊपर से जो आती है वो विकिरण के माध्यम से आती है। तो हम लोग थोड़ा और आगे देखेंगे, सूर्य की जो कंडीशनें होती हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी हमने चर्चा की कि सूर्य के बारे में, कि सूर्य के क्या क्या गुण हैं, सूर्य में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो सूर्य में हमारा हीलियम, हीलियम के बाद हाइड्रोजन जो ज्यादा सबसे ज्यादा मात्रा में 71% होती है, उसके बाद अन्य गैसें होती हैं, उसमें जो क्रिया होती है सूर्य की जो नाभिकीय संलयन की होती है। उसके बाद हम लोग प्रकाश मंडल के बारे में देखेंगे थोड़ा, जो सूर्य है सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश मंडल के बारे में। तो जैसे हमारा सूर्य हो गया, जैसा कि चित्र है, ज्यादा अच्छा चित्र नहीं है लेकिन आप चित्र के माध्यम से समझेंगे, ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य के जो बाहर से जो रोशनी मिल रही है उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम लोग फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल बोलते हैं। जो बाहर दिखाई देने वाली जो रोशनी आ रही है सूर्य को जो देख पा रहे हैं उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कंडीशनें कुछ बनती हैं, जैसे कि सूर्य में इतना ज्यादा ताप होता है, जैसा कि इतना लाल दिखता है, दूर से जब इतना लाल दिखता है तो उसका तापमान भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसके थोड़ा हम लोग पॉइंट तापमान के बारे में समझेंगे। ये जो सूर्य है, सूर्य के जो सतह का तापमान है इससे ज्यादा, हम लोग देखेंगे सूर्य का जो सेंट्रल है, जो सूर्य का जो केंद्र बिंदु है, यहां सबसे ज्यादा लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है इसके केंद्र बिंदु का, ये केंद्र बिंदु का तापमान है।
अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 100 डिग्री तापमान से ज्यादा होने पर मनुष्य सहन नहीं कर सकता है, और ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इतना तापमान सूर्य के केंद्र बिंदु में है। तो हम लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि उसके कई हजार किलोमीटर दूर से ही उसके तापमान से लोग प्रभावित हो सकते हैं। उसका जो सतह होता है, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के अंदर एक दो पॉइंट और बनेंगे, सौर ज्वालाएं बनती हैं। अभी सौर ज्वालाएं कैसे बनती हैं? जब जैसे सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो आती हैं, आने के बाद जब कभी अंतरिक्ष से होते हुए वायुमंडल में प्रवेश करेंगी तो उनमें आपस में रगड़न से आग पैदा हो जाती है, उसको बोलते हैं सौर ज्वाला। जो सौर ज्वाला बनती है उसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये लोग हम तीन पॉइंट हम देखेंगे कि सूर्य के केंद्र बिंदु में जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, सूर्य का जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और सतह के बाद जब सौर ज्वालाओं के बारे में देखेंगे, जो सौर ज्वालाओं का ताप होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अभी भी तापमान इतना ज्यादा है कि सामान्य ताप की अपेक्षा कई हजार गुना ज्यादा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूर्य के और भी कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। जो सौर ज्वालाओं की मैंने चर्चा की, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन आते भी बहुत हैं कि जो सौर ज्वालाएं होती हैं वो अपने ध्रुवीय स्तर पर, दो ध्रुव होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक हमारा उत्तरी ध्रुव और दूसरा हमारा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो ज्वालाएं होती हैं अपने अपने केंद्र पर फूटती हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव पे जो ज्वाला होती है, सौर ज्वाला होती है, इसको अरोरा, इस शब्द को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, अरोरा बोरियालिस। और जो दक्षिणी ध्रुव पर जो सौर ज्वाला की घटना होती है इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। मतलब जो दक्षिणी ध्रुव पे है, ऐसे याद कर सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिण तरफ होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया से पॉइंट ले लिया गया, इसलिए अरोरा ऑस्ट्रियालिस। और उत्तर तरफ जो घटना होती है उसको अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। जो सौर ज्वाला की घटना होती है वो उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव में होती है, इसलिए हम लोग देखेंगे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। अब हमारा अगला पॉइंट होगा, अभी हम लोग सूर्य के बारे में बारी बारी से पॉइंट डिस्कस करते जा रहे हैं और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो छोड़ेंगे, हम लोग सब पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सूर्य के पास में, जो जैसे हम हैं हमारे पड़ोसी कौन होते हैं, ऐसे ही इसके नजदीक में, जैसे सूर्य एक तारा है इसके भी नजदीक में कोई तारा होगा, तो सूर्य के नजदीक का तारा, सूर्य के नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य, जैसा कि आप लोग देखा है कि सूर्य एक तारा है, सूर्य में विभिन्न प्रकार की ग्रहण की स्थितियां बनती हैं, तो जो तारा है उसमें ग्रहण होता है, तो उसकी ग्रहण की स्थितियों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य में जो स्थितियां बनती हैं उसके बारे में यदि हम लोग समझ पाते हैं तो जो मौसम के बारे में जो जानकारी है कि कैसे मौसम कहाँ होता है, क्या घटना होती है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो स्थितियां बनती हैं उनके बीच कौन सी घटना होती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये शब्द आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है। जैसे सूर्य है, ये हो गया हमारा सूर्य है। अब सूर्य की एक स्थिति ऐसे बनेगी जो स्थिति बनेगी
जब एक स्थिति जिसको सिजगी बोलते हैं, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक जब सीध में आ जाएंगे तो इस स्थिति को सिजगी बोलते हैं। और इसी सिजगी की स्थिति में जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं और चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर नहीं लौट पाती हैं तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे यहां सूर्य से प्रकाश की किरणें चलेगी, ऐसे चलती हैं, अभी चंद्रमा से टकराएंगी, टकराने के बाद ऐसे हो जाएंगी, ऐसे। तो सूर्य की जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर कुछ समय के लिए प्रकाश नहीं पहुंचेगा और इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य का कुछ देर के लिए छिप जाना, ये स्थिति कहलाती है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण की स्थिति में एक कंडीशन होती है कि सूर्य की जो ग्रहण की स्थिति है अधिकतम, सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट तक हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत नोट करने वाला बहुत मोस्ट है, क्योंकि 8 मिनट तक के पीछे क्या कारण है, अब उसमें भी एक बात बनती है कि क्या क्यों होता है, 8 मिनट बाद क्यों ग्रहण हट जाता है। इसकी स्थिति यह है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी आपस में एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और 8 मिनट के बाद सूर्य अपनी स्थिति पे है ही, लेकिन जो पृथ्वी है थोड़ा आगे चली जाएगी और चंद्रमा थोड़ा इधर चली जाएगी, इसलिए सूर्य का जो प्रकाश है उसमें जो अवरोध हो रहा था वो नहीं होगा और सूर्य की स्थिति जो ग्रहण की थी वो हट जाएगी, मतलब सूर्य का प्रकाश प्राप्त होने लगेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को हमने पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जैसे ये तो हमारा सूर्य है, सूर्य तो हमारा केंद्र बिंदु में ही रहेगा, ये क्या हो गया सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया, यहां हमारी पृथ्वी होगी और यहां पर हमारा चंद्रमा। एक स्थिति ऐसे आती है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिजगी की स्थिति होती है, इसी में पूर्णिमा अमावस्या की जो स्थितियां बनती हैं उसी समय की सिजगी जैसी स्थिति आती है, तो उसमें क्या होगा, जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी तो जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है वो पृथ्वी तक तो जाएगा, लेकिन पृथ्वी के बाद चंद्रमा पे अंधेरा, चंद्रमा से ऐसे हो जाएगा, चंद्रमा से रोशनी की प्राप्ति नहीं होगी। इसी स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहेंगे। क्या? चंद्र ग्रहण मतलब सूर्य से जो रोशनी पृथ्वी तक तो प्राप्त हुई लेकिन चंद्रमा पे नहीं हुई, ऐसी स्थिति पूर्णिमा को देखने को मिलेगी, आप देखेंगे अंधेरा रहता है एकदम। उसके बाद हम लोगों ने सूर्य ग्रहण को देखा, चंद्र ग्रहण को देखा, अब आगे हम लोग अब सूर्य से जो ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे सौर मंडल के, अभी तक हमारा पॉइंट में जो था सूर्य एवं उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते थे, अब हमने सूर्य को पढ़ लिया, अब हम आगे देखेंगे सूर्य के बाद और भी जो ग्रह हैं उनके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उसके बाद जो सूर्य है, सूर्य तो हमारा जैसे ही हो गया, सूर्य की दूरी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, सूर्य एवं उसके जो 8 ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो 8 ग्रह जो हम ग्रह इसमें लिखने जा रहे हैं वो दूरी के हिसाब से है, मतलब दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में हम लोग पहले देखेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में ये हमारा सूर्य हो गया। अब सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा, सूर्य चक्कर लगा रहा है और सूर्य के चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं, तो ये हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और हमारा अंतिम होगा वरुण। सूर्य एवं उसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं इनके बारे में हम लोग दूरी के हिसाब से देखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र, फिर पृथ्वी, चौथे नंबर पर हमारा मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठवें पर शनि, सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण। जैसा कि आप लोगों को
जानकारी होगी कि पहले जो हम सौरमंडल के बारे में पढ़ते थे उसमें ग्रहों की संख्या 9 पढ़ते थे, लेकिन प्लूटो को सूर्य और उसके जो चक्कर लगाने वाले ग्रह थे उसकी स्थिति से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो सूर्य है उसका जो प्लूटो था केपलर का नियम का पालन नहीं कर रहा था, और केपलर के नियम का पालन ना करने की वजह से प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर कर दिया। अब कुल मिला के ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे बुध के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखना शुरू किया है दूरी के क्रम में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुध के बारे में। बुध ग्रह, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सूर्य है, सूर्य तो सबसे बड़ा है क्योंकि वो तारा है, उसका तो आकार बहुत बड़ा है, उसकी अपेक्षा जितने भी हमारे ग्रह हैं ये तो बहुत छोटे हैं। और उसी के साथ साथ जो बुध है भाई, पृथ्वी का, मंगल का, बृहस्पति का, जो भी ग्रह है वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्हीं में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बुध के बारे में। बुध ग्रह, बुध ग्रह जो बुध ग्रह है वो जो जितने भी ग्रह हैं सबसे छोटा ग्रह है। जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका पहला पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे बुध सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा नंबर, जो बुध ग्रह है उसका कोई उपग्रह नहीं होता है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका उपग्रह चंद्रमा है, लेकिन इसका कोई उपग्रह नहीं है। मतलब उपग्रह बुध की कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो बुध है वो सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए सूर्य का चक्कर सबसे जल्दी लगा लेता है। सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसका जो एक चक्कर है, जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे कुछ समय लेती है, ऐसे ही ये बुध है 88 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका जो परिक्रमण काल जैसा कहें ये 88 दिन होता है, इसको परिक्रमण काल बोलेंगे। और हमारा आगे जो उसका तापमान है, जैसे बुध है सूर्य के नजदीक है, जैसे सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है तो एकदम से बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद जब सूर्य ढल जाता है तो एकदम से इसके तापमान में कमी देखी जाती है। तो इसको बुध ग्रह पर तापांतर सबसे ज्यादा देखा जाता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर रहता है इसमें। मतलब ठंडा होगा तो माइनस में 110, 120, 150 चला जाएगा, और उसके बाद जब गर्म होगा तो उसके तापमान में अंतर हो जाएगा। इसकी एक कंडीशन और है कि इसमें लगभग जो चुंबकीय गुण है वो भी पाया जाता है, क्योंकि सूर्य के पास है, सूर्य का चक्कर लगाता है और उसके वजह से इसमें चुंबकीय शक्ति भी होती है। ये बहुत मोस्ट पॉइंट नहीं है लेकिन इसको भी हम लोग समझेंगे, चुंबकीय शक्ति होती है इसमें। क्या होती है? चुंबकीय शक्ति। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम लोग सबसे पहले किसी भी ग्रह को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि सबसे पहले उनके उपग्रह हैं या नहीं, और उसकी आकार के हिसाब से उसकी क्या स्थिति है। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और उसके बाद उसका जो उपग्रह कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल जैसा कि हमने देखा वो 88 दिन होता है, और इसमें तापांतर होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, 600 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है, क्योंकि सूर्य के नजदीक है इसलिए इसमें चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। ये था बुध के बारे में। आगे हम देखेंगे बुध के बाद हमारा जो अगला आएगा वो हम लोग देखेंगे शुक्र। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, जैसा कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर, सांझ का तारा, सुबह का तारा, ये सब नाम है शुक्र ग्रह। इसके बारे में हम लोग पॉइंट देखेंगे। इसका सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। जैसा कि देखा कि सूर्य के बाद बुध आया था, अब आएगा हमारा शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है।
सूर्य के बाद जो ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला, क्योंकि क्योंकि इसका तापमान ज्यादा रहता है तो इसलिए ज्यादा चमकीला है। इसको सुबह का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कई नामों से जाना जाता है। इसकी स्थिति ही कुछ ऐसी है कि सुबह के समय भी चमकता दिखाई देगा आपको, शाम के समय भी चमकता दिखाई देगा, और पृथ्वी के आकार में पृथ्वी के कुछ समानता रखता है, इसलिए इसको पृथ्वी की छोटी सिस्टर या जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके जो उपग्रह हैं इसमें भी कोई उपग्रह उपग्रह की संख्या नहीं है, मतलब इसमें कोई उपग्रह नहीं है, ये अपने आप में अकेला ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें ये पॉइंट है, यहां हम लोग देख लेते हैं जो इसकी रोटेशन की स्थिति है, ये बहुत पूछता है। जैसा होगा कि जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की गति ना करके पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, तो शुक्र अपवाद है, मतलब स्थिति का जो पूर्व से पश्चिम चलता है। बाकी जो ग्रह हैं इसके साथ साथ एक अरुण अरुण ग्रह भी हम है, देखेंगे आगे अरुण के बारे में, तो अरुण भी जो ग्रह है उसकी जो स्थिति है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। इतने सब पॉइंट हम लोगों ने देखे, अब हम आगे देखेंगे पृथ्वी के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग यदि